ओम शांति। आज सवेरे सवेरे प्यारे बाबा ने हमको पवित्रता का ऐसा लक्ष्य बताया है जिसको धारण करके कोई भी आत्मा अति इंद्रिय सुख में रह सकती है। पवित्रता शब्द तो बाबा ने पहले दिन ही दे दिया कि पवित्र बनो और पवित्र बनने के लिए योगी बनो। आज बाबा ने कहा कि हमारी जो जीवन की स्थितियां होती हैं, एक होती है हमारी मनोवृत्ति, जिसको वृत्ति कहते हैं, एक होती है दृष्टि और एक होती है कृति। कृति मैंने कर्म। तो बाबा ने कहा देखो, अगर हम अपनी मनोवृत्ति में इस बात की धारणा कर लेते हैं कि हर एक आत्मा सभी आत्माओं विदाउट एक्सेप्शन, उसके लिए हम अपने मन में शुभ भावना और शुभ कामना रखेंगे। अब ये हमको चेक करना है सुबह से शाम तक कि इसका हम पूरी तरह पालन करें। इसके लिए भी बाबा कहते हैं अपनी दृष्टि, अर्थात जो कुछ हम देखते हैं, दुनिया भी कहती है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो दृष्टि में हमें रूहानियत लानी है, क्योंकि सारी दुनिया की दृष्टि में जिस्मानियत है, शरीर समझते हैं हम, क्योंकि अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो दृष्टि में रूहानियत तभी आ सकती है अगर हम पहले अपने आप को आत्मा समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ और फिर अन्य सभी आत्माएं हैं। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, कुछ भी है, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दूसरे को देखते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसमें मैं आत्मा कर रही हूँ और अन्य को भी आत्मा देख कर के वो भी आत्माएं हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो आत्मा को ही मिलता है। तो जब तक हम आत्मा नहीं देखेंगे तो क्या होगा अपने को और दूसरों को, कि हमारे को ये बेसिक चीज़ें जो हैं, सुख शांति प्रेम, वो हम शरीरों के द्वारा लेने की कोशिश करेंगे, स्वयं को भी इसी शरीर समझ लेंगे और शारीरिक साधनों में सुख ढूंढेंगे, शरीर का सुख ढूंढेंगे और दूसरों को भी इसी तरह से देखेंगे कि उनके द्वारा भी हमें जो मिलना है वो शायद शरीरों के द्वारा, संबंधों के द्वारा मिलना है। फिर बाबा कहते हैं ये दोनों चीज़ें हो जाएं तो फिर तीसरी चीज़ आती है, अब वो है कृति। आखिरकार कृति का मतलब है कर्म। अब कर्म का फल मिलता है, तो बाबा कहते हैं टेस्ट ये है, अगर हम उस प्रकार की जो बाबा ने दो बातें बताई हैं कि सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखें, किसी को भी देखें, और उसके बाद बाबा ने क्या कहा है कि हम रूहानी बने, तो फिर कृति का फल क्या आना चाहिए, सुख लेना और सुख देना, ये फाइनल चीज़ है। आज की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि इसको फॉलो नहीं करते, शरीर मान लेते हैं तो चाहते सुख हैं, मिलता भी दुख है, देते भी दुख है। आप देखेंगे बाबा ने फाइनल टेस्ट बताया, क्या हमको हर एक से सुख लेना आता है, सुख लेते हैं और सुख देना आता है। बाबा कहते देने की बात तो बाद की है, पहले तो लेने का तो स्वार्थ होना ही चाहिए ना। इसलिए हमारा पहले स्लोगन क्या था,
ना दुख दो ना दुख लो। पर बाबा ने स्लोगन क्या दिया है, सुख लो और सुख दो। तो ये तब हो सकता है अगर हम ये जो रूहानी कर्म करेंगे, तो दुनिया में और क्या चाहिए। इसलिए बाबा ने ये पवित्रता की बात कही। अब इसी पवित्रता को सारे समाज में अगर आ जाए, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ ठंडी करनी चाहते हैं, आपके पास ठंडी है भी तो समाज में गर्मी है, तो आपकी ठंडी चीज़ को बहुत मेहनत लगेगी उनको ठंडा करने के लिए। अगर हमारे अंदर प्रेम है, दुनिया में नफरत है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा उसकी नफरत को प्रेम में बदलने के लिए। तो उस पवित्रता को जो बाबा ने हमको गहरी बताई है, उसी को दुनिया को पालन करवाने के लिए बाबा ने एक रक्षाबंधन का एक अनोखा फेस्टिवल बनाया। हमारे यहाँ आप देखेंगे आज जो उसका रूप है वो अलग है। आज तो सब चीज़ का विकृत रूप है, लेकिन रक्षाबंधन शुरू कहाँ से हुआ? आपके ख्याल में सतयुग में रक्षाबंधन था, उसकी आवश्यकता थी? नहीं थी। इसलिए बाबा कहते हैं कि असली रक्षाबंधन तो क्या, जितने भी भारत के उत्सव हैं वो सब संगम पे शुरू हुआ और उनका यादगार है। और आज तो बाबा ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अन्य जितने उत्सव हैं उनका जो मूल है वो रक्षाबंधन है। और आप देखेंगे अन्य फेस्टिवल और भारतवासी भी मनाते हैं, हिंदू धर्म वाले भी मनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन कौन मनाता है? ब्रह्मा कुमारीज मनाती हैं। इतने वास्ट स्केल पर, और कोई अपने लौकिक बहन भाई की बात नहीं है, ये अलौकिक फेस्टिवल मनाती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि परमात्मा ने एक स्पेशल विधि बताई है। और राखी कौन बांधता है? बहन बांधती है ना। इसलिए बाबा ने शिव शक्ति सेना बनाई है ना। अगर बाबा पुरुषों का ब्रह्मा कुमार की संस्था बना देता तो ये राखी हो ही नहीं सकती थी। इसलिए बाबा ने युक्ति करी। और फिर बाबा को पता है कि दुनिया के अंदर बहन भाई का संबंध बहुत पवित्र होता है, इसलिए आप किसी के पास भी कोई जाए तो पहले पूछता आपको मेरे से क्या काम है ना। आपको टाइम अपॉइंटमेंट ही नहीं देगा। लेकिन अगर बहनें कहेंगी हम राखी बांधने आई हैं, तो वो व्यक्ति, ये भी बाबा की जादू की युक्ति है, वो टाइम दे देगा कि हाँ बहन जी आ जाओ। इस प्रकार से बाबा ने सारे भारत के अंदर बहनों के द्वार खोल दिए। तो इतना इम्पोर्टेंट ये फेस्टिवल है। और फिर जब बहनें राखी बांधती हैं तो क्या कहती हैं? आपको पता है राखी के लिए इम्पोर्टेंट है तिलक लगाना, है ना। आप देखेंगे सिर्फ राखी नहीं बांधती हैं, तिलक लगाती हैं। तो जब तिलक लगाती हैं इसका अर्थ क्या हुआ? दूसरे को आत्मा की स्मृति दिलाती हैं, यहाँ हम तिलक लगा रहे हैं, आप आत्मा हैं। वैसे तो भक्ति में भी बिंदी तिलक लगाने की रस्म है, लेकिन ये अर्थ नहीं बताते। तो इसलिए तिलक का भी अर्थ बता देती हैं, और साथ साथ जो है दूसरे को एक सेकंड के लिए आत्मा का ज्ञान दे देती हैं। जो आप भाषण करके दोगे शायद किसी की समझ में नहीं आएगा, है ना। वो तो अपने आप को परमात्मा मानते हैं जैसे बाबा ने कहा, इसलिए आत्मा की स्मृति दिला देती हैं। तो जब व्यक्ति आत्मस्मृति में हो जाता है तो फिर उसको वो राखी बांधती हैं। वो हैरान होता है कि मेरी कोई शारीरिक बहन तो नहीं है ये कौन है और किस लिए आए हैं? तो जैसे बाबा ने कहा हुआ है कि किसी को फरिश्ता दिख जाए, परी दिख जाए, वो हैरान होगा कि नहीं होगा ये कौन है? तो साकार में जिनको ज्ञान भी नहीं है, बाबा जब उनके आगे ये बहनें जाती हैं और तिलक लगाती हैं, राखी बांधती हैं, फिर रक्षाबंधन का अर्थ सुनाती हैं। राखी तो शॉर्ट नेम है, वास्तव में इसका नाम है रक्षाबंधन। अब वो सोचते हैं रक्षाबंधन,
तो जो आज दुनिया में रक्षाबंधन है उससे वो कंपेयर करते हैं, ये तो मेरी लौकिक सिस्टर नहीं है। तो फिर बहनें सुनाती हैं, क्या सुनाती हैं कि परमात्मा तुम्हारी रक्षा तब करेगा जब तुम अपनी रक्षा करोगे। और परमात्मा किसकी रक्षा करता है, किस चीज़ से रक्षा करोगे? तो मोटी बात यह है कि शरीर की रक्षा तो हो नहीं सकती। कोई कहे कि मैंने राखी बंधवा ली तो मैं मरूंगा ही नहीं, शरीर नहीं छोड़ूंगा, ये तो हो नहीं सकता। तो किस चीज़ की रक्षा है? तो नेचुरली जीवन मूल्यों की रक्षा है। अगर आप सुखी रहना चाहते हो, संतुष्ट रहना चाहते हो, योग तो उनको पता नहीं, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करे, तो ये जो है हम राखी बांध रहे हैं कि पवित्र रहो। तो फिर वो किस तरह बताती हैं? वो कहती हैं कि देखो पांच विकार तुम्हें दुखी करते हैं। अच्छा, वरना वो कई बार कहते हैं, अच्छा बहन जी आप राखी बांधने आए हैं, कुछ पैसे निकाल के क्योंकि देते हैं, तो बहनें लेती नहीं हैं। बहनें कहते हैं हमें तो खोटे पांच खोटे सिक्के चाहिए, तो उनको और हैरानी होती है कि पांच खोटे सिक्के क्या होते हैं। खोटा सिक्का लोगों ने शब्द तो सुना हुआ है ना, हम भी दुनिया में कभी कह देते हैं कि खोटा सिक्का भी कभी कभी काम आ जाता है, ऐसे कह देते हैं कि नहीं कह देते? तो वास्तव में भगवान कहते हैं कि हर आत्मा का रोल है, कभी कभी खोटा सिक्का काम आ जाता है। जब हम बच्चे थे उस समय जो राशन की दुकानें होती थी उसमें वो जो पैसा चेंज आपको रिटर्न करते थे उसमें खोटे सिक्के देते ही थे, यानी अलाउड था कि जितनी आपको उन्होंने चेंज देनी है, विजय बहन को पता होगा, उसमें आपको खोटा सिक्का लेना ही है, आपसे समझ जाओ कि एक रूल था। तो दुनिया में खोटे सिक्के हैं, तो फिर वो कहते हैं बहन जी खोटा सिक्का क्या दें हम आपको, हमारे पास तो है ही नहीं। तो फिर वो बहनें बताती हैं कि पांच विकार ये खोटे सिक्के हैं। अब खोट का बाबा ने ताजा मुरलियों में बहुत अच्छा अर्थ बताया। खोट का क्या अर्थ बताया? एक खोट का मतलब होता है शॉर्टेज, ये चीज़ कम हो गई है ना। तो बाबा ने क्या कहा है कि किसी के भी जीवन में, किसी के भी सेंटर पर किसी प्रकार की कोई खोट होती है, यानी कमी होती है, तो उसका कारण होता है कि वहाँ कोई खोट है, यानी कोई कमी है। वरना बाबा कहते हैं अगर खोट नहीं है तो भंडारे भरपूर हैं। और खोट शब्द सोने के लिए भी लगाते हैं कि सोना अगर प्योर है तो प्योर सोना है, सतयुग है, सत्य है, और अगर सोना 24 कैरेट की बजाय 9 कैरेट रह जाए या 2 कैरेट रह जाए, अब बाबा ने कहा तो खोट ही खोट हो गया। तो खोट मन में भी खोट होता है तो फिर दुनिया में भी खोट होता है। खोट मैंने पांच विकार, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस। मम्मा ने भी कहा है कि मैं आत्मा हूँ, ये तो ज्ञान हमें एक मिनट में मिल जाता है, लेकिन मैं आत्मा हूँ जीने में लाइफ लग जाती है। तो आज बाबा ने जो पवित्रता की परिभाषा दी है उसका मतलब क्या है कि हम आत्मा बन के जी रहे हैं, आत्मिक सुख ले रहे हैं, आत्मा के महत्व को जानते हैं, क्योंकि उसका तो बहुत बड़ा महत्व है। ये सारी ब्रह्मा कुमारी इकट्ठे संगठन कैसे हो गया? अगर हम अपने आप को शरीर मानते तो क्या ये संगठन हो सकता था? नहीं। दुनिया भी हैरान है कि ये अलग अलग धर्मों के, अलग अलग देशों के, अलग अलग भाषाओं के, ऐसा तो हम सपना सोचते थे कि एक हो सकते हैं। लोग कहते हैं सारा विश्व एक था, उनकी तो समझ में नहीं आता कि एक हो कैसे सकता, इसलिए वो छोटे छोटे ग्रुप में एक करते हैं कि मेरा परिवार वो एक मेरा हो गया, साथ वाला मेरा नहीं है, मेरा धर्म मेरा हो गया बाकी मेरे नहीं है, मेरा देश मेरा हो गया, मतलब अनेक प्रकार से टुकड़े हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैंने आपको केवल आत्मा का ज्ञान देके इतना चेंज कर दिया, इसलिए फिर राखी बंधन का ऐसा महत्व है कि वास्तव में परमात्मा बहनों के द्वारा मनुष्य आत्माओं को कह रहे हैं, क्योंकि हम तो बहनों को भी राखी बांध देते हैं ना, वो बहनें भी बंधवा लेती हैं, वो भी हैरान होती हैं कि बहनें बहनों को राखी बांध रहे हैं। और कई लोग भाई भी बहनों को राखी बांध देते हैं, हैं जैसे मैं सोनिया गांधी जी को बांधता था,
तो इस प्रकार से वो भी, क्योंकि हम तो आत्मा देखते हैं, तो इसलिए भगवान कहता है कि ये राखी जो है वास्तव में उसकी रक्षा के लिए है। लेकिन दुनिया ने आज क्या बना लिया, बिल्कुल जैसे हर चीज़ को उल्टा कर दिया दुनिया ने, तो दुनिया ने क्या बना लिया कि राखी में बेचारी बहन है ना, तो राखी का फेस्टिवल कैसे निकाला है कि भाई बहन की रक्षा करेगा। पहली बात तो ये समझने लगे भाई पावरफुल होता है, भाई शक्तिशाली होता है शारीरिक तौर पे, धन के तौर पे, ये ठीक बात है या गलत बात है? तो आज बाबा ने इसको भी गलत साबित कर दिया। बाबा ने कहा पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि बड़े बड़े पद पर महिलाएं हों, है ना, राजा महाराजा होते थे, फिर कहीं 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 कोई स्थान पर कोई राजा के बेटा ना हो तो कहीं कहीं एक रानी थोड़े देर के लिए राज्य करती थी, लेकिन जनरली तो राजा होते थे। तो बाबा कहते हैं आप देखो ये भी राखी का ही प्रभाव है कि मनुष्यों के अंदर माताओं बहनों के लिए रिगार्ड पैदा हुआ। ये सूक्ष्म चीज़ है, लोग समझ नहीं सकते कि आप देखो पिछले 30-40 वर्ष से बड़ी बड़ी पोस्ट पर महिलाएं हैं, अब तो आर्मी में भी महिलाओं को अलाउड हो गया। तो ये बाबा कहते हैं सारा डीपली आप देखेंगे तो प्रभाव रक्षाबंधन का है। और बाबा कहते हैं बाकी जितने भी हमारी प्रोग्रेस है उसका आधार रक्षाबंधन है। तो इसलिए इस रक्षाबंधन को हमने, हमारे तो राखी बंधी हुई है, बाबा कहते हैं आपके तो बांध दी, पर आपने लोगों को फिजिकली बांध के उनको याद कराना है। फिर और देखिए दुनिया में, आज की कलयुगी दुनिया में तो कलयुगी आत्माएं हैं, बाबा ने कहा है कि एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। अच्छा, किसी भी ऐसी आत्मा को आप नोट करेंगे कि आत्मा ओरिजिनली प्योर है, ठीक है, अच्छा आज उसका कोई भी रूप हो गया हो, गंगा प्योर नदी है आज चाहे वो नाला बन गई हो, लेकिन ओरिजिनली तो प्योर है। तो जब बहनें इस स्थिति में चाहे एक मिनट भी लगाती हैं तो उसको अंदर, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, उसको अंदर आता है। चाहे हम मुसलमान को राखी बांधते हैं, मांसाहारी होते हैं, हिंदू लोग भी मांसाहारी शराब पीने वाले, उसको एक सेकंड के लिए अंदर जागती है आत्मा कि ये है लाइफ, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, हैं बड़ा पद है जो भी है, ये है लाइफ, बिल्कुल बेफिक्र हैं, प्रसन्न हैं, ज़रूर कुछ बात है। तो वो जो बीज बोया जाता है व्यक्ति के अंदर वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से हम लोगों को तो बाबा ज्ञान योग से तरक्की कराता है, उनको इस तरीके से उनके अंदर बीज डाल देता है। अब बाबा ने कहा हुआ है ये अविनाशी ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, आत्मा अविनाशी है, ये बीज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 20 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद ज़रूर पैदा होगा। तो वो जो बीज भगवान बोता है, ज्ञान लेने वाले अलग हैं, लेकिन एक इस प्रकार से भी बाबा सारे भारत को पावन बना देता है। तो देखिए कितनी बाबा की शक्ति है, कई तरीके अपनाकर बाबा विश्व को नई बनाता है, पावन बनाता है। तो ये हम लोगों को महत्व देख करके, फिर क्या होता है, समान व्यक्ति का जो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है, उसके अंदर जो श्रेष्ठता आती है वो आती है कि मैं कौन हूँ, है ना। अब कोई संसारिक तौर पे किसी को बड़ा पद मिल जाता है तो समझता है ना मैं ये हूँ। अच्छा, फिर क्या होता है कि दुनिया के अंदर मैं कौन हूँ के बाद बाकियों को छोटा गिनने लग जाते हैं, अपने से बड़ा गिनने लग जाते हैं। कोई भी किसी का पद होगा उसमें उससे छोटे भी होंगे, उससे बड़े भी होंगे, तो क्या होगा, छोटे को देखकर उसको अभिमान आ जाएगा, उससे और तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि उसका जो बड़ा है वो उसके साथ अभिमान से व्यवहार करता है। तो कहते हैं ना जो किसी के जैसा व्यवहार करता है उसका बदला लेने के लिए वो छोटे से व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से भी आप देखेंगे तो बाबा जो हमारी राखी बंधवाता है
वो और तरह की है, उसमें संसारिक पद पोजीशन की बात ही नहीं है, उसमें तो गुणों की बात है। इसलिए भगवान कहता है कि उनके अंदर अवगुणों खत्म करके जैसे अंधेरे में छोटा सा दिया जला देते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट काम बाबा कराता है। और इस तरीके से वर्षों तक जब राखी बांधी जाती है, फिर किसी कोई किसी परिवार का है, कोई कहीं का रहने वाला है, तो राखी का जो दीपक है वो सारे भारत में कहीं ना कहीं फैल जाता है। हमको पता भी नहीं होता ये व्यक्ति इतना कोऑपरेटिव क्यों है। आप कहीं जाएंगे, आपको कोई रेल टिकट चाहिए, कोई कुछ भी काम पे जाएंगे, तो वो व्यक्ति पहले मुस्कराएगा, फिर आपका काम कर देगा। आप हैरान होंगे और लोग खड़े हैं, इसने मेरा काम कैसे कर दिया। अब अंदर क्या होता है, उसने कहीं ना कहीं राखी बंधवाई होती है ना, क्योंकि हमारी ये राखी निस्वार्थ है और इस राखी में बराबरी का है, दूसरे को भी सम्मान देने का है। तो बाबा कहता है कि इस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी इसके लिए गुडविल, ब्रह्मा कुमारी के लिए सहयोग, बहुत इसके एग्जाम्पल हमारे पास हैं। फिर और देखिए, जब व्यक्ति दुखी होता है, किसी चीज़ उसको नहीं मिलती, उसको उस वक़्त कुछ मिल जाए तो बाबा कहते तो उसकी बहुत वैल्यू है। जैसे बहुत प्यासे व्यक्ति को आप थोड़ा सा पानी दे दो, उसको जान आ जाती है। अब बहनें कई समझते हैं कि बहनें बड़े बड़े नेताओं को ही राखी बांधती हैं, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े पोस्ट पर नहीं, बहनें तो जेल में भी जाके राखी बांधती हैं। अब आप सोचो, एक व्यक्ति जेल में पड़ा है, कैसा उसका लाइफ होगा, उसको कोई जेल में जा कर के प्यार से राखी बांधे तो रोएगा नहीं, तो वो रो पड़ते हैं कि देखो ये कौन है। तो ये भी एक प्रकार की उसको जो रूह को राहत मिलती है कोई दे नहीं सकता है। फिर मिलिट्री वालों को, अब वो कहीं किसी पहाड़ पर या किसी जगह उनकी ड्यूटी लगी हुई है, वहाँ बहनें जाके राखी बांधती हैं है? तो इस प्रकार से ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और हमारे भारत में ये राखी मनाई जाती है क्योंकि भारत में भगवान आते हैं, भारत की बहुत बड़ी महिमा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो दुनिया जो कहते हैं ना भारत देश, दुनिया में इतना सबसे ऊंचा पहाड़ भारत में है, इतनी नदियां भारत में हैं, इतनी नदियां भारत में हैं, सारी दुनिया में किसी एरिया में जा के देख लो इतनी नदियां नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें भारत में हैं। भक्ति कितनी भारत में होती है आप देखो, रोज़ कितनी होती है, सारी दुनिया घूमे आओ उनको, आपको चर्च मस्जिद वगैरह कहीं कहीं मिलेगा, या तो हर गली के कोने में सुबह घंटी बज रही होती है। आप जाएंगे, हम ज्ञानी लोग हैं, फिर भी हमारे कान में थोड़ी घंटी सुनेगी तो हमें भक्ति का संस्कार आएगा, क्योंकि कीर्तन कर रहा होगा तो कितने ये भगवान को याद कर रहे हैं कि नहीं, जो ज़्यादा याद करेगा वहीं पर आएगा। और कितने बड़े बड़े कुंभ लगते हैं, इतने सारे धर्मों वाले भारत में हैं, कितने शास्त्र हैं, कितने, दुनिया तो हैरान रह जाती है। इसलिए बाबा कहता है कि सारा हमारे उस किए हुए का, आप जैसे मंदिरों में मूर्तियां हैं, दुनिया में घूमे आओ, आपको कोई ऐसी जगह मिलेगी नहीं कि जहाँ किसी वहाँ के नेता की मूर्ति मंदिर में हो, उसकी पूजा की जाए। तब बाबा कहता है कि हमको नशा रहे, सारी चीज़ का मतलब है कि मैं कौन हूँ, तो हमको कुछ साधारण पद पोजीशन का नशा नहीं है, एक तो हमें संगठन का नशा है। सारी दुनिया में बता दो किसी के इतने रिश्तेदार हों, बता दो, अब किसी का यहाँ जन्मदिन मनाया जाए तो सारे ब्राह्मण परिवार, शरीर भी छूट जाए तो इतने लोग उसको शरीर को लेके जाते, दुनिया में कोई नहीं ले जा सकता। तो बाबा कहते ये नशा है। फिर हमारे साथ भगवान है, सबसे बड़ा नशा तो ये है। कोई थानेदार का बच्चा भी होता है तो नशे से चलता है कि मेरे से गलती गुलती होगी तो मेरा बाप थानेदार है। भगवान कहता आप तो भगवान के बच्चे हो, कितनी मर्जी गलतियां कर लेते हो। बाबा कहते मैं तो ऐसे जैसे मैले कपड़े को धो के बाहर निकाल लेते हैं, बाबा कहते मैं रोज़ तुम्हारी सफाई भी कर देता हूँ। दुनिया तो साफ कपड़े पहन के रोज़ सफाई करती है, बाबा तो अंदर की कर देता है, तो ये भी फायदा है। इसलिए मैं कौन हूँ ये नशा हमको रखना चाहिए, हम ऐसे नहीं, अपने सामान में रहना। तो कल भी मेरे पास एक पुलिस के ऑफिसर आए थे, वो
कहते हैं कि मैंने नम्रता को धारण किया है, इस कारण से अब मेरा जो एम्प्लॉय स्टाफ है कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमने उसको कहा, भाई अकेली नम्रता नहीं चाहिए, ह्यूमिलिटी विद डिग्निटी, सम्मान के साथ नम्रता रखनी है। हम नम्र हैं, लेकिन आज भी बाबा ने कहा है कि किसी के इज्जत से उसको सम्मान दे के हमको बात करनी है, हमारी बात डीप है। ये नहीं कि हम अथॉरिटी हैं तो हम लोगों का कहना शुरू कर दें, भाई तुम तो नलायक हो, तुमको तो राखी का अर्थ ही नहीं पता। नहीं, वो सम्मान में रहकर, नम्रता में रहकर अथॉरिटी से बोलना। तो दुनिया में भी ऐसे ही होता है कि जो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है वो बहुत नम्रता से बोलता है। तो बाबा कहते हैं, अगर हम नम्रता से नहीं बोलते तो समझ लीजिए हम बड़े व्यक्ति नहीं हैं। आप हमेशा देखेंगे जो साधारण व्यक्ति होता है ना, वो अपनी नम्रता को खो देता है। कोई रिक्शा वाला ही होगा, आप थोड़े से पैसे उसको ज़्यादा लेने की कोशिश करें तो ज़ोर से बोलना शुरू कर देगा। कोई सफाई सेवक होगा, उसके अंदर भी, क्योंकि सब बॉडी कॉन्शियस है, हम भी जो ही बॉडी कॉन्शियस हुए तो हमारी नम्रता गई। कई समझते हैं नम्रता का मतलब कमजोरी है, नहीं, बिना सम्मान के नम्रता कमजोरी है, सहन करना पड़ेगा। लेकिन अपने सम्मान में रहकर नम्र हो तो जैसे बाबा कहता ना कि फलदार पेड़ झुका हुआ होता, और जो बिल्कुल बोया पेड़ खजूर का, वो उसका कुछ नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, वो ऐसा होता। तो नम्रता एक शक्ति है, नम्रता कोई झुकने वाली बात नहीं है। तो ये भी बाबा ने बताया, भगवान आके कहता है मैं बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाबा ये भी कहता है, अंग्रेज के जो गवर्नर होते थे वो अपने साइन नीचे करते यूर सुबीडियंट सर्वेंट। हमारे नेता भी, मोदी जी जाके पार्लियामेंट में सीढ़ियों पर झुकते हैं, क्यों? जाहिर करने के लिए हम नम्र हैं। तो नम्रता और निर्माणता एक बहुत बड़ा गुण है, और ब्रह्मा कुमारी इसकी नम्रता निर्माणता भी सेवा करती है। अगर हम अपनी नम्रता निर्माणता खोते हैं, मान लो दूसरे के साथ तो हम मुस्करा के बात करते हैं, पर आपस में हम कहीं और बात करते हैं, तो जो दूसरा आता है ना, देख रहा होता है, उस पर जितना प्रभाव आपका पड़ा होता है वो गायब हो जाता है। क्योंकि दुनिया में भी नकली मुस्कुराहट, नकली झुकना वो तो है, असली वाला होना चाहिए। अब समय हो गया है, ओम शांति।